उत्तर प्रदेश इन दिनों बिजली कर्मियों की हड़ताल से जूझ रहा है। प्रदेश के कई जिलों में अंधेरा हो गया, राजधानी लखनऊ में भी कई जगहों पर लोगों को बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। आप ये कह सकते हैं कि हड़ताल से हाहाकार मचा है, लेकिन इस सब के लिए जिम्मेदार जो कहीं दिखाई नहीं देते UPPCL के चेयरमैन एम देवराज की कोई जवाबदेही फिक्स नहीं होती है। हड़ताल की नौबत क्यों आई? 3 महीने पहले कर्मचारियों के साथ जो प्रबंधन की बैठक हुई थी, जो सहमति बनी थी, जो वादे हुए थे, वो पूरे नहीं हुए। उसके लिए कई बार चेतावनी दी गई संगठनों की ओर से, लेकिन लोग ये कहते हैं कि जो प्रबंधन है एम देवराज, उनकी हठधर्मिता के चलते ये समझौते अपनी पूर्णता को नहीं पहुंच पा रहे हैं। बिजली कटेगी, लोग परेशान होंगे, बदनाम सरकार होगी, मंत्री होंगे। कई राउंड बातचीत हो चुकी, मंत्री बार बार अफसरों को बुलाते हैं, लेकिन नतीजा फेल हो जाता है। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद शर्मा अफसरों की इस्तीकरणबाजी के नाते आज उत्तर प्रदेश में एक बिजली बड़े संकट का समाधान निकालने में जुटे हुए हैं। 72 घंटे की जो ऐलान है, इस ऐलान के पीछे ब्यूरोक्रेसी जिम्मेदार है। उस ब्यूरोक्रेसी में शीर्ष पर जो व्यक्ति बैठा है, पिछले 3 सालों से वो शक्ति भवन में चेयरमैन बनकर बैठे हैं। उन्होंने इन हड़तालों को खत्म करने के लिए, कर्मचारियों की यह समस्या आगे न जाए उसको रोकने के लिए क्या कार्रवाई की, उनसे पूछने वाला कोई नहीं है। ये ज़रूर है कि हड़ताली कर्मचारियों के ऊपर सरकार एस्मा लगा रही है, रासुका लगाने के निर्देश दे रही है, संविदा कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की जा रही हैं। हड़ताली कर्मचारियों की जो मांग है उसमें 2-3 बड़ी प्रमुख मांगें हैं। अब व्यवहारिक हैं कि नहीं, क्योंकि ये चली आ रही थी, अभी जब से एम देवराज चेयरमैन बने इन्होंने व्यवस्था बंद कर दी बिजली कर्मियों के घर में मीटर लगाने की। पहले बिजली कर्मियों को एक फिक्स दर पर बिजली दी जाती थी और उनके वेतन से वो कटौती होती थी। अब सरकार ने ये कहा चेयरमैन ने कि वो सब आदमियों के बिजली कर्मचारियों के घरों में भी मीटर लगाएगी, सबको समान तरह से बिजली का बिल देना पड़ेगा। दूसरा, कर्मचारी बोनस की मांग कर रहे हैं। सवाल सरकारों पर आसानी से खड़े होते हैं, मंत्रियों की जवाबदेही आसानी से आ जाती है, लेकिन अफसर, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले, चेयरमैन बनकर बैठने वाले एम देवराज, जिनके राज में ये दोबारा हड़ताल की कोशिश हुई और हड़ताल हो गई, उनसे सरकार पूछताछ कब करेगी? क्या इस आंदोलन के लिए चेयरमैन UPPCL जिम्मेदार नहीं है? कर्मचारी संगठनों से उनका जो रवैया है, ना तो वो बात करते हैं ना वो मिलते हैं। 3 साल से वो इस पद पर काबिज हैं और इतनी बड़ी हड़ताल हो जाए और सारी जिम्मेदारी मंत्री अरविंद शर्मा के कंधों पर डाल दी जाए, तो अफसरों की मनमानी ने आज ये संकट पैदा किया है। संघर्ष समिति की संयोजक शैलेन दुबे हड़ताल पर है, उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी हड़ताल है, वो झुकने को तैयार नहीं है, उनके लिए वारंट निकल चुका है, गिरफ्तारियां शुरू हो सकती हैं, लेकिन जो सबसे बड़े जिम्मेदार हैं उनसे पूछताछ करने वाला कोई नहीं है। ये उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग का दुर्भाग्य है कि अफसरों की मनमानी से आज सरकार के सामने इतना बड़ा संकट है।